जमीन पर मुमलिकत खुदादाद में बड़े बड़े अजीम बादशाह आए, बड़े बड़े कदो काठ वाले आए, अदल और इंसाफ की मिसाल रखने वाले बड़े बादशाह आए। उन्हीं में से एक नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का भी है कि ये वो इंसाफ करने वाले बादशाह थे। अल्लाह आपसे राजी हो कि जब तक आपकी हुकूमत रही रोए जमीन पर इंसान की इन आंखों ने देखा कि शेर और बकरी एक ही घात पर पानी पीते थे। आपका इंसाफ देखिए कि जब आपने मुमलिकत संभाली अपना सारा माल बैतुल माल में जमा कर कुछ नहीं रखा अपने पास, फकत एक अंगूठी थी जिसमें एक नगीना था, इतना कीमती नगीना, इतना प्यारा नगीना, अगर जौहरी जिसके पास हीरे जवाहरात होते हैं वो कीमत लगाना चाहता तो उसकी कीमत अदा नहीं कर सकता था, सुनार अगर उसकी कीमत लगाना चाहता वो कीमत अदा नहीं कर सकता, इतना कीमती हीरा या अंगूठी जो थी उसमें जो नगीना था वो बड़ा कीमती था। जौहरी और सुनार बड़े बड़े दौलतमंद उसकी कीमत लगाने से आजिज थे। और जब आपकी सल्तनत में एक वबाल आया, भूख प्यास का दौर आया, लोग मर रहे थे, तो आपने वही नगीना बेच दिया जिस हिसाब से भी बिकता था और सारे पैसे बैतुल माल में लगा दिए, हर फर्द को अता किए, हर शख्स खुशहाल हो गया, हर शख्स की जिंदगी में बहार आ गई। ये अजीम मिसाल थे वो बादशाह जो अपनी रियाया का सोचते थे। अल्लाह भी हमें सालेह।